उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, सामान्य ज्ञान जो कि सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है धूल कण की वजह से होता है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं, तो 5 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो सीधी है, सीधी मध्य प्रदेश का ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सुनील लांबा को किसका प्रमुख बनाया गया है, तो ये बने हैं नौसेना प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, तो परिपक्वता जो है ये सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, जो कि अभिवृत्ति ज्ञान और संकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है, तो इसमें जो सही मिलान नहीं है वो है KR20 स्थिरता, ये सही मिलान नहीं है, बाकी परीक्षण पुनरीक्षण जो है स्थिरता, अर्धविच्छेदन जो है आंतरिक अनुरूपता, समांतर प्रारूप जो है समरूपता, ये सही मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि Q1 Q2 तथा Q3 क्रमशः प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चतुर्थक है तथा Q जो है अर्धनांतरिक चतुर्थक प्रास है, तो Q का लिख सकते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है ऑप्शन सी, यानी Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। और क्वेश्चन नंबर 8 है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिवेदन 2002-3 में उच्च शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, इसका विशिष्ट उद्देश्य सभी था, उच्च शिक्षा की उपयुक्तता पर बल, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता मूल्यांकन एवं एक्रेडिटेशन पर बल, और अनुसंधान एवं विकास पर बल, उपयुक्त सभी था ये। क्वेश्चन नंबर 9, उस शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है क्या कहेंगे, तो इसे ऐतिहासिक शोध कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, तो 10 का सी CPU कहते हैं, CPU कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 11, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, MB मेमोरी क्या होता है, तो 1024 किलोबाइट। नीचे दो सूची दी गई है, इसको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से क्वेश्चन नंबर 13 को, तो अनिम्नीकरण प्रदूषक जो होता है वो प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, DDT, PSC आदि से होता है, यानी ए का पहले पे आएगा और बी का फिर चला जाएगा आपका तीसरे पे। एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण जो होता है खनिज प्रागलन पीड़क नाशियों का उपयोग से होता है, वहीं सी चला जाएगा चौथे पे, वायु प्रदूषक SO2 NO2 और राख, और जैव निम्नीकरण प्रदूषक ये होता है वाहित मल, घरेलू मल, कूड़ा पशु अपशिष्ट, तो कूट जो है सही हो जाएगा यहाँ पे 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के कारण वातावरण में बढ़ जाता है, उपयुक्त सभी के कारण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFCs व N2O। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुआ है, तो इसका स्थापना 1857 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो 16 का राइट ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस। और भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857। क्वेश्चन नंबर 17, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, सर विलियम जोन्स थे, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 18, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था, जोनानाथ डंकन ने किया था, ए ऑप्शन राइट।
क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृति है तो ये रूढ़ात्मक कार्य है, संस्कृति जो है रूढ़ात्मक कार्य है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो 20 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ताप्ती नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिलान करना है यहाँ, तो इसका जो मिलान करने के बाद राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का, पहला जाएगा दूसरे पे जलोढ़ मृदा, ये जाएगा उत्तर प्रदेश पे, जलोढ़ मृदा आ जाएगा उत्तर प्रदेश पे। फिर उसके बाद काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी ये महाराष्ट्र में, मरुस्थली मिट्टी का चला जाएगा राजस्थान में, और लाल मिट्टी मेघालय में चला जाएगा, लाल मिट्टी मेघालय। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का सी, पहला दो, फिर तीन, फिर एक, फिर चार। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ भी मिलान करना है 22 वाला में, तो इसका जो मिलान होगा सिपिकला दर्रा, ये हिमाचल का है, सिपिकला दर्रा हिमाचल, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, और बोमडेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन टू हो जाएगा, यानी सिपिकला दर्रा कहाँ गया, सिपिकला दर्रा गया हिमाचल प्रदेश, नीति दर्रा उत्तरा, नाथुला दर्रा सिक्किम, और बोमडेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, तो 23 का राइट ऑप्शन सभी, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सब। उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो उद्देश्य के विषय में सही है जो ऑप्शन होगा 1, 2, 3, यानी बी ऑप्शन। पहला हो जाएगा संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक के न्यायोचित अधिकारों को उठाया गया था, यह मूलभूत अधिकारों के निर्माण का आधार है, ये भी सही है। तो यानी 1, 2, 3 ये सही है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी के अंतर्निहित है, तो ये किसके अनुसार है, 25 का ए, 19 एक आ में है, भारत का संविधान प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था तो नहीं करता, किंतु आज़ादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद 19 एक आ में। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, उपरोक्त कथन किसके, तो ये सी है 51 ए के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो ये बी है एग्लो इंडियन। और 28 है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में किसने भारत के प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया है, तो 28 का डी, दादा भाई नौरोजी ने। और मिलान करना है अब यहाँ पे 29 का, तो 29 का जो मिलान होगा उसमें आ जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना, ये आ जाएगा 3, 1952 में, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम ये जाएगा 1960 में, बालवाड़ी पोषाहार ये जाएगा 1970 में, और बचा आपका ग्रामीण आवासीय योजना 1957 में। तो सामुदायिक विकास योजना 1952, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम ये चला गया 1960, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम ये 1970, और ग्रामीण आवास योजना 1957। 3, 4, 2, 1 यानी 29 का ए राइट हो जाएगा, 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ भी मिलान करना है 30 का, तो 30 का जो मिलान होगा किशोरी बालिका योजना, किशोरी बालिका योजना ये 1985, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम 1980, और इंदिरा आवास योजना 1985, और डी वाला ए पे चला जाएगा ग्रामीण युवा रोजगार कार्यक्रम 1989, यानी ऑप्शन यहाँ पे जो राइट हो जाएगा ए, 30 का ए। ये कुल 30 क्वेश्चन थे, धन्यवाद, नमस्कार।